मुरादाबाद महानगर के पंडित नगला रोड स्थित दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल में आर्ट एवं विज्ञान प्रदर्शनी तथा वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला जज मेजर रविंद्र सिंह और अपर जिला जज माधवी सिंह के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा मॉस्किटो किलर मशीन, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट मॉडल, ड्रोन एम्बुलेंस, स्मार्ट सिटी मॉडल, 3D होलोग्राम, अर्थक्विक अलार्म, वायरलेस पावर ट्रांसफर सिस्टम, 3D ऑटोमेटिक मॉडल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑटोमेटिक आग बुझाने का यंत्र, पानी द्वारा गैस का चूल्हा जलाना, ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम आदि मॉडल्स बनाए गए। आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स जैसे सॉफ्ट बोर्ड पेंटिंग, कप्स पेंटिंग, टाइल्स पेंटिंग आदि तथा पेपर से फ्लावर, बैंगल डेकोरेशन, फोटो फ्रेम आदि बनाए गए। बहुत ही सुनियोजित तरीके से मेले की व्यवस्था की गई। सुहाने मौसम में विद्यालय परिसर की शोभा और बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। अपने अपने मित्रों और अभिभावकों के साथ बच्चों ने मेले का लुत्फ उठाया। स्कूल परिसर में विशाल प्रांगण में आयोजित मेले में तरह तरह के व्यंजनों, गेम से सजे लगभग 50 स्टॉल लगे थे, जिसमें डोसा, इडली, सांभर, दही वड़ा तो वहीं चाइनीज में चाउमीन की अनेक वेराइटी, टिक्की, गोलगप्पे, छोले भटूरे, कोल्ड ड्रिंक, चना, मूंग दाल, पकौड़ी, पॉपकॉर्न, कैंडी तो नॉनवेज में चटपटे कबाब मौजूद थे। तो वहीं तरह तरह के मनोरंजक गेम्स के स्टॉल्स पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक अपनी किस्मत आजमा रहे थे। घुड़सवारी का भी बच्चों ने खूब आनंद उठाया। विभिन्न प्रकार के झूलों में भी बच्चों ने खूब उछल कूद की। यहाँ लगा मिकी माउस तो बच्चों का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस रहा। सारे झूले झूलने के बाद बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ मिकी माउस में उछलने की जिद पर अड़े रहे। वहीं बैलून शूटिंग ने भीड़ को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। सॉन्ग ऑन डिमांड पर अपने मनपसंद गाने की सुविधा का लाभ लेने के लिए लोग नहीं चुके। खुद सुनने और अपने करीबियों को गीत सुनाने की होड़ लगी रही। हर तरफ मस्ती, उमंग और रस की भरमार रही। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और गणमान्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने कार्यक्रम को बहुत सराहा। स्कूल की प्रधानाचार्य मुनीरा सिद्दीकी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का आभार जताया। इस अवसर पर प्रबंध समिति के सभी सदस्य अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद थे। अंत में लकी ड्रॉ का भी आयोजन हुआ। सभी ने अपने लकी ड्रॉ के कूपन्स एक बॉक्स में डाले और अपनी किस्मत आजमाने के लिए अंत तक प्रतीक्षा की। प्रथम पुरस्कार स्पोर्ट्स साइकिल, द्वितीय पुरस्कार माइक्रोवेव और तीसरा पुरस्कार डिनर सेट के साथ 20 सांत्वना पुरस्कार भी ड्रॉ के माध्यम से निकाले गए। स्कूल के डायरेक्टर विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी और स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमती मुनीरा सिद्दीकी द्वारा सभी लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी, जितेंद्र प्रकाश, इत्तिखाब शाफे, मतीन, नीना अरीब, मुइज, सोफिया आदि के साथ समस्त स्टाफ और बच्चों का सहयोग रहा। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विद्यार्थियों के साथ वर्तमान के विद्यार्थियों ने कहा कि आज के कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज का पूरा वातावरण बहुत ही सुंदर रहा। स्कूल प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाएं दुरुस्त थी। Here it is a fete of alumni. I am very proud. I am feeling very proud here to see an art and exhibition, cultural. It is very good. And क्या मानते हैं ऐसे स्कूल में क्या होना चाहिए, बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा? जी, इससे बच्चों की नॉलेज गेन होती है और अच्छा लगता है सब देखकर भी, और बच्चों को आगे इंटरेस्ट होता है, इन सब चीजों में इंटरेस्ट बढ़ता है। काफी इम्प्रूवमेंट है स्कूल में, काफी सारे चेंजेस हैं, बच्चे ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। सर, ये दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल है, यहाँ पे एक फेट लगाई गई है जो कि आर्ट एंड कल्चरल बेस्ड फेट है। क्या क्या सीखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे? सर, यहाँ पे नए नए लोग आए हैं तो उनसे बहुत अच्छा मतलब सीखने को मिल पा रहा है। हमने AI टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, आर्ट्स के बारे में पढ़ा, न्यू आइडियाज मिले। क्या मानते हैं आपके लिए कितना जरूरी है ये आज के समय में सारी चीज? सर, AI ये सारी चीजें जो हो रही है, एग्जीबिशन हो रहे हैं, सर ये बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोग इसी पे वर्क करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा प्रयास है स्कूल प्रशासन का कहना था कि हर साल कुछ अलग तरह से प्रयास किया जाता है। आज हमने प्रदर्शनी के साथ एक मेले का आयोजन किया जहां बच्चों के लिए खेल खिलौने और खाने पीने की सभी चीजें मौजूद थी। दरअसल हम एक साल छोड़कर हर एक साल दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स करते रहते हैं। तो एक साल एनुअल डे करते, एक साल हम ये एग्जीबिशन और फेट करते। इसका जो आइडिया होता है कि जैसे आपने देखा कि हमारे जो साइंस एग्जीबिशन और आर्ट गैलरी और लैंग्वेज लूप और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम दिखाते हैं, वी वांट टू शोकेस टू द पेरेंट्स
कि देखिए हमारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो किस तरह के काम कर रहे हैं, उनको हम सिखा क्या रहे हैं बेसिकली। और ये कनेक्ट कराती है उनकी एजुकेशन के साथ कि एजुकेशन खाली किताब पढ़ना नहीं है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाना और बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आना। तो हम एक तो वो ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं टू द पेरेंट्स। दूसरा जो मेला होता है ये इसमें बच्चे ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें गेम्स खिला रहे हैं, वहाँ पे उनको प्राइजेस दे रहे हैं, तो इसके अंदर हर बच्चे के लिए एक फन होता है, उसकी क्रिएटिविटी होती है। तो जब बच्चा काउंटर पे खड़ा होकर वो उसको गेम खिला रहा है और उससे कूपन्स ले रहा है, तो उसमें सेलिंग स्किल्स आती हैं, उसे मार्केटिंग स्टंट समझ में आते हैं, उसको लाइफ के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, लाइफ की जो उसको अड़चने आने वाली हैं वो समझ में आता है, चैलेंजेस को सीखता है और वो अपनी लाइफ में उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये सीखता है। उसके अलावा एक मेन पर्पज होता है पेरेंट्स को अट्रैक्ट कराना, स्कूल पर बुलाना और उनको दिखाना कि आपके बच्चे क्या क्या काम कर रहे हैं और तरह से उनके डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमारी जो कोशिश है वो यही चल रही है कि यहाँ के बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए, जिससे उनको एक फिजिकल फिटनेस के बारे में, मेंटली टफ कैसे होना है और इमोशनली स्ट्रांग कैसे होना है, ये तीन कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हम उनको इस तरह से सिखाने की कोशिश करते हैं। आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। देखिए हम तो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। अब हमने नया जो कॉन्सेप्ट आज अनाउंस किया है वो स्किल डेवलपमेंट का है। हम छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक स्किल के कोर्सेज, जैसे ब्रास सिटी से रिलेटेड है तो उसमें मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइनिंग, मर्चेंडाइजिंग, हम उनको GST ये सब के कोर्सेज भी हम ला रहे हैं और वो उनको हम इससे नेक्स्ट ईयर से ही इसमें भी उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि 12th के बाद जो बच्चा होगा वो कम से कम एक प्लेटफॉर्म उसको मिल सके और उसे मेंटली ये पता हो अपने आप में कि मुझे किधर जाना है।